पिछले साल 2021 के नवंबर से कंपेयर किया जाए तो इस बार लगभग हर किसी कंपनी ने काफी अच्छी सेल्स दिखाई है। हालांकि कुछ कंपनियां अभी भी ऐसी हैं जिनकी सेल कम हुई है। तो चलिए देख लेते हैं कि नवंबर के महीने में पूरे भारत के अंदर किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं। 14th पर है फोर्स। इस कंपनी ने सिर्फ 125 गाड़ियां ही बेच पाई हैं पूरे भारत में। 13th पोजीशन पर है सिट्रन, जिसने 635 गाड़ियों को बेचा है नवंबर में पूरे भारत के अंदर। C3 के लॉन्च होने के बाद इस कंपनी की बिक्री पर काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिला है, लेकिन अगर देखा जाए जब अकेली C5 एयर क्रॉस हुआ करती थी पिछले साल, तो नवंबर 2021 में सिर्फ 60 गाड़ियां ही बेची थी सिट्रन की। 12th पोजीशन पर है जीप। इस कंपनी ने सिर्फ 984 गाड़ियां ही बेच पाई हैं पूरे भारत में। इस कंपनी की बिक्री का जो मेजर पोर्शन है वो कंपस का रहता है। अब कंपस की बिक्री ही काफी कम हो गई है, तो ओवरऑल कंपनी की बिक्री कम होना तो स्वाभाविक है। इसके बाद 11th पोजीशन पर है निसान मोटर्स, जिसने 2643 गाड़ियां बेची हैं नवंबर में पूरे भारत के अंदर। आमतौर पर यह कंपनी 3,000 या 4,000 के आसपास गाड़ियां बड़े प्यार मोहब्बत से बेच लेती है, खासकर मैग्नाइट के लॉन्च होने के बाद, लेकिन अभी इस महीने ये काफी पीछे रह गई। 10th पोजीशन पर है मॉरिस गैराजेस, जिसने 3,666 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। जल्दी ही हेक्टर का फेसलिफ्ट आप लोगों को मिलने वाला है। हो सकता है इस ऑटो एक्सपो में लॉन्च कर दिया जाए, जिसमें आपको काफी सारे एडवांस फीचर भी मिलने वाले हैं, खासकर एडास भी। 9th पोजीशन पर है रेनो मोटर्स, जिसने 6,330 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। आमतौर पर रेनो लगभग 8,000 से 9,000 गाड़ियां हर महीने बेच लेती है, लेकिन इस महीने या कहूं कि पिछले कुछ महीने उठाकर देखा जाए तो लगातार रेनो 6,000 या 7,000 के आसपास ही सिमटकर रह जाती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो मुझे नजर आता है वो है क्विड की बिक्री पर असर पड़ना। पहले की तरह क्विड अब नहीं बिकती। 8th पोजीशन पर है स्कोडा और फॉक्स वैगन दोनों ही। इस बार इन दोनों कंपनीज का डेटा सेपरेट नहीं आया बल्कि मिलाकर आया है। दोनों कंपनियों ने मिलकर 6,368 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। 7th पोजीशन पर है होंडा मोटर्स, जिसने 6,600 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। इस कंपनी की बिक्री में भी काफी गिरावट देखने को मिली है। आमतौर पर 8,000 या 9,000 ये टच कर लेती है, लेकिन लगातार पिछले कुछ महीनों से ये 6 या 7 के आसपास ही रह जाती है। और अब तो जल्दी ही होंडा वाले अपने डीजल इंजन को बंद करने वाले हैं, जिसके बाद इसकी बिक्री पर कितना नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है वो तो भगवानी जाने। 6th पोजीशन पर है टोयोटा मोटर्स, जिसने 11,945 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। इस कंपनी का काम मेरे को बढ़िया लगता है। कोई भी नई गाड़ी लॉन्च करने में दिमाग लगाना नहीं है। एक हाइराइडर लॉन्च की भी है तो वो मारुति वालों के साथ मिलकर करी, असल में वो पूरी मारुति की गाड़ी है। सिर्फ 2 गाड़ियों के बलबूते पर टोयोटा की कंपनी जो है वो चल रही है इंडिया में, फॉर्चुनर और इनोवा क्रिस्टा, और दोनों के बलबूते पे ही 6th पोजीशन पर ये कंपनी लगभग हर बार आ जाती है। 5th पोजीशन पर है किया मोटर्स, जिसने 19,301 गाड़ियों को बेचा है नवंबर में पूरे भारत के अंदर। सेल्टॉस का जो फेसलिफ्ट है उसके लॉन्च होने की खबर पहले ऑटो एक्सपो के आसपास की मिली थी, लेकिन बाद में पता चला एक अपडेट आई कि 2023 के आखिर तक सेल्टॉस का फेसलिफ्ट इंडियन मार्केट में आएगा। ऐसा क्यों किया भगवान जाने। 4th पोजीशन पर है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसने 28,127 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। अभी हाल ही में महिंद्रा ने अपनी कुछ गाड़ियों के प्रोडक्शन को बूस्टअप किया है, जिसके बाद से इनका जो वेटिंग पीरियड है वो कम हो सकता है। हालांकि अभी तक कोई अंतर नजर नहीं आया, देखते हैं हो सकता है 1-2 महीने में आने शुरू हो जाए। 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर्स, जिसने 40,251 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। 2nd पोजीशन पर है हमेशा की तरह हुंडई, जिसने 44,539 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में नवंबर के महीने में। टाटा और हुंडई के बीच में काफी लंबे समय से बिल्ली और चूहे का गेम चल रहा है। 3,000 या 4,000 यूनिट्स के आसपास डिफरेंस आ पा रहा है। देखते हैं ये डिफरेंस कब तक मेंटेन रहता है, या टाटा कभी आगे निकल भी पाती है, या ऐसे ही चलता रहेगा। और 1st पोजीशन पर है हमेशा की तरह मारुति सुजुकी, जिसने 1,22,529 गाड़ियों को बेचा है पूरे भारत में। तो ये थी पूरी जानकारी हर किसी कंपनी के बारे में। अगर आप अपनी गाड़ी के लिए कोई सस्ती और अच्छी एसेसरी खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, आप चाहो तो वहां पर जाकर देख सकते हो, पसंद आए तो खरीद सकते हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।